चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। दो मिनट में खबर कास्ट बिहार के बारे में ऐसी रोंगटे खड़े देगा अपने आप। बात कर रहे हैं इस समय आप देख रहे हैं मुक्तागिरी से 12 मार्च दोपहर 3:30 बजे विहार शुरू हुआ। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्याजागर से मिलने के लिए उनका एक संग उनसे मिलने के लिए आतुर हो गया। निर्यापक आचार्य योग सागर जी महाराज अपने संघ के 6 मुनिराज और शुलक महाराज चल दिया मुक्तागिरी से नेमावर की ओर संभवतः, और धीरे धीरे कदम बढ़ने लगे। देख रहे हैं आप पगडंडियों पर आतुर हो गए सब। और फिर इतने में उन्हीं के संग में मुनि श्री अक्षय सागर जी तो ज्यादा ही बेताब हैं, ज्यादा ही इंतजार है उनको बेसब्री से। और देखिए किस तरीके से वो पगडंडी पर चलते चलते अंगारों के बीच पट्टियां जल रही हैं, जंगल में थोड़ी थोड़ी हर तरफ पगडंडी पर आग लगी हुई है, उसी के अंगारों के बीच में उनके कदम रख दिए जाते हैं। पत्थरों के नीचे नुकीले चपतर नीचे चुपते जाते हैं, पर वो आगे बढ़ते जाते हैं। इतने ज्यादा बेताब हैं 17 बरस बाद अपने गुरुवर से मिलने के लिए। शाम को विराम आता है और सर कहते हैं शाम होती है एक झोपड़ी के अंदर सबका ठहराव हो जाता है। ऊंचे संत के ऊंचे शिष्य भी एक झोपड़ी के अंदर ठहरते हैं रात भर, जैसे उसके अंदर बेसब्री से इंतजार करते हैं। सुबह निकलते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। मुनि श्री अक्षय सागर 17 साल से महाराष्ट्र के अंदर है। अनेकों जगह पर इन्होंने जो अजैन है उनको अहिंसा के रास्ते पे लाए हैं, हिंसा छोड़कर इस तरह मांसाहार छोड़ के शाकाहार के अंदर उनको लाए हैं, एक अलग ज्योत जलाई है। और उन्हें बार बार कहते हैं मैं जहां गया हूं अपनी दुकान शुरू कर देता हूं, ग्राहक अपने आप आ जाते हैं और मेरा माल बिकना शुरू हो जाता है। इनका माल है जैन धर्म के ज्ञान का, शास्त्र का, अहिंसा का, शाकाहार का। कितने बेताब हैं सब गुरुवर से मिलने के लिए। हर संत के साथ मिलते हैं ऐसे संत शिरोमणि आचार्य श्री हैं हमारे। जो भी गुरुवर के पास जाना जाता है वह मिलना चाहता है, आतुर हो जाता है, बेताब हो जाता है, चाहे वे श्रावक हो चाहे उनके ये संत शिष्य हो। मिलके होंगे खुशी होगी। हम सबको सादर जय जिनेन्द्र।